Hi guys, welcome back to Face in Colors. I am Pallavi and I create beauty and makeup related content. So, जैसा कि मैंने आपको last video में बोला था, मैं eye makeup आपको next video में दिखाऊंगी. And so here I am today. So tutorial start करने से पहले अगर आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया तो please कर लो, notification bell भी press कर देना ताकि आप मेरा कोई भी video miss ना करें. And also मेरा Instagram पर भी account है, आप वहाँ पर जाके check कर सकते हैं. मेरे बहुत सारे अलग अलग looks मैंने वहाँ पर upload कर रखे हैं. So if you like, you can follow me there also. So now let's begin with the tutorial. So it is just an eye makeup tutorial. So मैंने already base कर लिया है और अगर आप देखना चाहते हैं how I usually do my base, so मैं कुछ tutorials के link description में डाल दूँगी. So एक बार check कर लेना. So eyeshadow look के लिए मैं आज ये palette use कर रही हूँ. This is all I need eyeshadow palette और ये Tan Beauty से है. And this is how it looks like. ये मैं use कर रही हूँ for today's look. So let's begin. तो सबसे पहले मैंने मरून शेड लिया है और उसको पूरी लिड पे लगा रही हूँ. आपको पूरी लिड कवर करना है और उसके लिए मैंने ब्रश यूज किया है, एक फ्लैट डेंस ब्रश. Once you're done with this, then you need to take the small fluffy brush और उसके बाद आपको ट्रांजिशन शेड अप्लाई करना है. ट्रांजिशन शेड अप्लाई करते टाइम आपको जो नीचे वाला शेड था मरून शेड, उसको भी साथ में ब्लेंड करते जाना है ताकि उसकी कोई हार्श एज ना बचे. देन कम द थर्ड स्टेप और उसके लिए आपको ब्लैक शेडो लेना है और आपको उसको अप्लाई करना है जस्ट नियर द लैश लाइन. बहुत ऊपर तक नहीं ड्रैग करना है. पहले आपको अप्लाई करना है उसको एंड देन धीरे धीरे ब्लेंड करना है. ब्लेंड करते टाइम ध्यान रखना आपको बहुत ऊपर तक नहीं ले जाना है कि मरून शेड छुप जाए. ना लोअर लैश लाइन के लिए भी हम तीनों शेड्स यूज करेंगे. फर्स्टली हम मरून शेड लेंगे और उसको ट्रांजिशन शेड से ब्लेंड करेंगे. आफ्टर दैट हम ब्लैक काजल लगाकर उसको ब्लैक शेडो से मर्ज करेंगे. तो काजल के लिए मैं इबा कॉस्मेटिक का ऑल डे कोल काजल यूज कर रही हूँ. नाउ आफ्टर अप्लाइंग काजल यू नीड टू ब्लेंड इट विद द ब्लैक शैडो. देन ग्लिटर अप्लाई करने के लिए मैं नेक्स्ट का ग्लिटर ग्लू यूज कर रही हूँ एंड आफ्टर अप्लाइंग दैट आई विल अप्लाई दिस लूज ग्लिटर्स. हम आईलिड पे ग्लू लगाएंगे जस्ट ऑन द मिडिल पार्ट ऑफ द आई. जैसे ग्लू लगाएंगे उसके जस्ट बाद आपको ग्लिटर लगाना है. अगर आप ज्यादा देर वेट करेंगे तो ग्लू सूख जाएगा एंड देन ग्लिटर अच्छे से स्टिक नहीं होगी.
Then to brightening up the inner corner and the brow bone, I'm taking the light shimmer shade from the palette. Then to finish up, I'm applying the mascara, और ये sugar से है, इसका नाम है Lash Mob Limitless Mascara. So now the look is complete, और मैं इस eye पे makeup करके और lashes apply करके फिर से आपके पास आती हूँ. So this was the whole look, simple to create and yet looks so attractive. और अगर आपको ये look पसंद आया है, ये tutorial पसंद आया है, तो like button ज़रूर दबाना और मेरे channel को subscribe करना मत भूलना. मैं ऐसे कई सारे videos और लेकर आने वाली हूँ. So yeah, मिलते हैं next video में. Till then, bye bye.